चैनल मीरा गुप्ता इंडियन रेसिपीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खाजा चिरौटे बनाएंगे। आज हम खाजा बनाएंगे, इन्हें चिरौटे भी कहते हैं। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इन्हें बनाकर 1-2 महीने तक खाए जा सकते हैं। इसका बनाना भी आसान है। इसकी सामग्री इस प्रकार है। मैदा 2 कप 250 ग्राम, चीनी 1 कप 200 ग्राम, देसी घी 100 ग्राम, चावल का आटा 3 टेबल स्पून, हरी इलायची 4-5, काली मिर्च पिसी 2 पिंच, नमक 2 पिंच, तलने के लिए रिफाइंड ऑयल, देसी घी भी ले सकते हैं। अब मैदा को गूंथेंगे। बड़े बाउल में मैदा डालेंगे, नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, अगर पसंद ना हो तो ना डालें, 5 टेबल स्पून घी डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिससे मैदा में घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से मसलते जाएंगे जिससे मैदा में अच्छी तरह से घी मिक्स हो जाएगा। अब इस तरह से चेक कर लेंगे कि मुट्ठी में इस तरह से अच्छी तरह से बन जाए, गिरने पे टूटे नहीं, मोन बिल्कुल सही है। अब इसे पानी से गूंथेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, फिर इसे पूरी जैसा सताटा गूंथ लेंगे। इसे मसल मसल कर एक सा करेंगे। मैदा को इस तरह से मारेंगे, पूरी से थोड़ा सख्त, और इसे 10 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। जब तक मैदा एक सी होगी चावल का पेस्ट बना लेंगे। पहले इसमें घी डालेंगे, इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसे फेंटने के बाद 2 पीस आइस के डालेंगे और इसको फिर से फेंट लेंगे। इससे ये क्रीमी जैसा हो जाएगा। इस तरह से क्रीमी जैसा हो जाए तो इसकी आइस निकाल देंगे। इसकी आइस निकाल देंगे और इसे और अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बिल्कुल मक्खन की तरह से बन जाएगा। अब इसमें चावल का आटा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स कर लेंगे। चावल का पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसे रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैदा को एक सा कर लेंगे। अब इसकी लोइयां तोड़ेंगे, 4 लोइयां बराबर की तोड़ लेंगे। इस तरह से मसल कर लोई बना लेंगे। लोई बनाने के बाद में इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें से लोई निकाल कर भी लेंगे। इस तरह से रखने से पूरी पतली बिलेगी और चुपकेगी नहीं। बाकियों को ढक देंगे, इसे पतला भी लेंगे। जितनी पतली बिलेगी उतने अच्छे खाजा बनेंगे। इस तरह से बिल्कुल पतली बिल लेंगे। अब इसमें पेस्ट लगाएंगे, पूरे में अच्छी तरह से फैला देंगे। चावल का आटा ना हो तो मैदा भी ले सकते हैं। किनारे तक पूरा लगाएंगे। अब इसको इस तरह से मोड़ करेंगे, दबाते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। अब इसको इस तरह से रोल बना लेंगे, हल्के हाथ से दबाएंगे, ज़्यादा चिपके नहीं। 1.25 इंची का काटेंगे।
इस तरह से पीस काट लें। अब इसको इस तरह से हल्का सा दबाकर प्लेट पर रखते जाएंगे। इस तरह से सारे बना लेंगे। बन चुके हैं, अब इन्हें बेलेंगे। एक एक लोई लेते जाएंगे और इस तरह से रखेंगे सीधा, और थोड़ा और प्रेस देंगे और हल्के हाथ से इन्हें बेल लेंगे लंबाई में। बाउल में रखते जाएंगे। इसी तरह से दूसरा बेलेंगे, हल्के हाथ से बेलना है जिससे कि अंदर का चिपके नहीं, सिकने पे ही खिले। इस तरह से सारे बेल लेंगे। सारे खाजा को बेल लिया है, अब इनको सेकेंगे। रिफाइंड ऑयल गरम करने रखेंगे, गरम होने पर सेकेंगे। इस तरह से देख लेंगे हल्का सा गरम हो चुका है, गैस को कम कर देंगे और एक एक करके इसमें डालेंगे। जब ये ऊपर आने लगे तो इसको इस तरह से पलटेंगे, इस तरह से इसका दो कांटों की सहायता से इनका मुंह खोल लेंगे। इस तरह से फूल की तरह से बन जाएंगे। इस तरह से खोलेंगे, आस्ती आस्ती से ये अच्छी तरह से खुल जाते हैं। सीखने के बाद अपने आप ही मुंह इनका खुल जाएगा। हल्के गुलाबी होने तक सेकेंगे। दोनों तरफ से इस तरह से हल्के गुलाबी हो जाए, अब इन्हें निकाल लें। इस तरह से बाकियों को भी सेकेंगे। इसको कम गैस पर ही सेकना है। इस तरह से ऊपर आ जाए तो इन्हें पलटेंगे और दो कांटे की सहायता से इस तरह से इनको मुंह खोल भी जाएंगे। खोलने के टाइम पे गैस को बिल्कुल कम कर लेंगे जिससे हाथ जले नहीं। दोनों तरफ से हल्के गुलाबी हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। तो तेल पूरा निकल जाए तो इस तरह से प्लेट पर रखेंगे। इस तरह से सारे सेक लेंगे। खाजा सेक चुके हैं, अब इस पर चाशनी चढ़ाएंगे। आधा कप पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, एक पक्के तारे की चाशनी बनाएंगे। इसमें इलायची डाल देंगे। चीनी घुलने के बाद गैस को कम कर लेंगे और एक पक्के तार की चाशनी बनाएंगे। इस तरह से चेक करके देख लेंगे, पानी में डालेंगे, ये इस तरह से घुल जा रही है। इसे एक मिनट और पकाएंगे बस। अभी गोली भी नहीं बन रही है और घुल भी नहीं रही है, चाशनी बन के तैयार है। गैस बंद कर देंगे। अब इसमें गरम गरम में ये डालेंगे, दो दो तीन तीन करके इसे पलटेंगे। इसको निकालते जाएंगे। इस तरह से जाली पर रखते जाएंगे इससे एक्स्ट्रा चीनी निकल जाए। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ी चाशनी होगी तो बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे।
इस तरह से सारी चाशनी चढ़ा देंगे। अलग ये चाशनी गाढ़ी हो गई है ठंडी होने के बाद, तो इसे हल्का सा गर्म करेंगे, फिर चीनी चढ़ाएंगे। खाजा के ऊपर चीनी चढ़ चुकी है, अब इन्हें थोड़ी देर खुला छोड़ेंगे सूखने के लिए। 4-5 घंटे में खाजा पे चाशनी सूख चुकी है, अब सर्व करेंगे। स्वादिष्ट खस्ता मीठे खाजा बनकर तैयार हैं। इन्हें घर पर बनाइए, खिलाइए और खाइए। ये सभी को बहुत अच्छे लगेंगे। ठंडे होने पर एयर टाइट डिब्बे में भरकर रखिए, जब मन करे निकालिए और खाइए। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एंड स्क्रीन में हमारे चैनल के तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट दिखाई गई है। इन वीडियोस को देखकर रेसिपीज बनाने का लाभ उठाएं और अपना अनुभव हमारे चैनल के साथ शेयर करें।